नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डेटा मॉडल क्या है, और उसमें हमने फर्स्ट डेटा मॉडल पढ़ा था, हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्किंग डेटा मॉडल क्या है और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है। तो मेरे वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए देखते हैं नेटवर्किंग डेटा मॉडल क्या है। नेटवर्किंग डेटा मॉडल, तो नेटवर्किंग डेटा मॉडल क्या है, इट वॉज फॉर्मेलाइज्ड इन 1960s। तो नेटवर्किंग डेटा मॉडल को डेवलप किया गया था 1960s में। इट इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल डेटाबेस एक्सेप्ट दैट ईच चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट रिकॉर्ड। तो नेटवर्किंग डेटा मॉडल जो है वो हायरार्किकल डेटा मॉडल के बिल्कुल सिमिलर है, बट नेटवर्किंग डेटा मॉडल में अंतर क्या है कि इसमें जो है एक पेरेंट जो है मोर देन वन चाइल्ड रिकॉर्ड रख सकता है और एक चाइल्ड मोर देन वन पेरेंट रिकॉर्ड रख सकता है। बट हायरार्किकल डेटा मॉडल के केस में जो है पेरेंट जो है मोर देन वन चाइल्ड रिकॉर्ड रख सकता था, बट एक चाइल्ड जो है मोर देन वन पेरेंट रिकॉर्ड नहीं रख सकता था। तो इन अदर वर्ड्स, ए चाइल्ड रिकॉर्ड इज रेफर टू एज ए मेंबर एंड ए पेरेंट रिकॉर्ड इज रेफर टू एज एन ओनर। तो नेटवर्किंग डेटा मॉडल में जो है हम चाइल्ड रिकॉर्ड को रेफर करते हैं मेंबर के नाम से और पेरेंट रिकॉर्ड को रेफर करते हैं ऑनर के नाम से। तो यही है नेटवर्किंग डेटा मॉडल। अब देखते हैं कि नेटवर्किंग डेटा मॉडल के एडवांटेज क्या है। तो इट्स एबिलिटी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। तो नेटवर्किंग डेटा मॉडल में क्या होता है कि डेटा के अलग अलग ब्रांचेस को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं और एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं। एंड दीज ऑफर इंक्रीज्ड एक्सेस कैपेबिलिटी फॉर द मैनेजर। और एक कंपनी में जो मैनेजर है या जो एंड यूजर्स है, तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की उसकी कैपेबिलिटी नेटवर्किंग डेटा मॉडल में बढ़ जाती है। और नेटवर्किंग डेटा मॉडल का जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट होते हैं एक चाइल्ड के और एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो नीचे एक डायोग्राम है, नेटवर्किंग डेटा मॉडल का एक डायोग्राम है जिसमें बताया गया है कि कॉलेज एक पेरेंट रिकॉर्ड है और उस पेरेंट रिकॉर्ड के दो चाइल्ड रिकॉर्ड है, सीएससी डिपार्टमेंट और दूसरा लाइब्रेरी। और सीएससी डिपार्टमेंट का एक चाइल्ड है स्टूडेंट और लाइब्रेरी का भी एक चाइल्ड है स्टूडेंट। बट अगर हम स्टूडेंट नाम के इस चाइल्ड को देखें तो इसके दो पेरेंट है, सीएससी डिपार्टमेंट पेरेंट नंबर वन और लाइब्रेरी पेरेंट नंबर टू। तो इस तरीके से जो है पूरे डेटा को हम मोर देन वन पेरेंट मोर देन वन चाइल्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हालांकि हायरार्किकल डेटा मॉडल और नेटवर्किंग डेटा मॉडल जो है ये दोनों डेटा मॉडल आउटडेटेड हो गए हैं, इनका जो है कंपनी में यूज़ नहीं होता है, बट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल वो कंपनी में यूज़ होता है और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेशनल डेटा मॉडल, तो रिलेशनल डेटा मॉडल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंपनियों में ओरेकल का जो डेटाबेस है वो डेटाबेस जो है तैयार होता है रिलेशनल डेटा मॉडल के बेस्ड पे। तो देखते हैं इसको, इट वॉज डेवलप्ड बाई ई एफ कोड ऑफ आई बी एम इन ए पेपर इन 1970s। 1970 में आई बी एम में
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ईएफ कोड है, उसी ईएफ कोड ने रिलेशनल डेटा मॉडल को एस्टेब्लिश किया था। और जो है एडगर एफ कोड, उसका पूरा नाम है, तो एडगर एफ कोड ने डेटा और रिलेशन को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी। तो कैसे, उसको आगे के लाइन में देखते हैं। तो ए जॉइन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म टू सेलेक्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन टू टेबल्स बाय मैचिंग वैल्यूज इन दोज फील्ड्स। द फील्ड विल हैव द सेम नेम इन बोथ टेबल्स। तो जो है एडगर एफ कोड ने बताया था कि दो टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए दो टेबल है तो एक टेबल की फील्ड जो है और दूसरे टेबल की फील्ड, इन दोनों फील्ड को सेम रखेंगे और सेम फील्ड को फॉरेन की के थ्रू जोड़ देंगे तो दो टेबल्स आपस में जुड़ जाएगी। या दो से ज़्यादा टेबल्स है तो उसमें भी फील्ड्स के नेम को सेम रख करके फॉरेन की के थ्रू हम बहुत सारे टेबल्स को जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं जो है आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मैंने दो टेबल्स बनाए, एक टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल है, दूसरे टेबल का नाम डिपार्टमेंट टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में मैंने चार फील्ड्स डाले, एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। दूसरा जो टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट की जो है आईडी क्या है और लोकेशन आईडी क्या, ये तीन फील्ड्स मैंने डिपार्टमेंट में डाले। तो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में दोनों में एक कॉमन फील्ड है या कॉमन एट्रीब्यूट के नाम है, तो वो कौन से हैं, वो है डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो इन दोनों टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की के थ्रू हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दो टेबल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स को भी जो है एट्रीब्यूट का नेम सेम रख करके आपस में जोड़ सकते हैं। तो रिलेशनल डेटा मॉडल को चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल का नाम है ऑर्डर टेबल और उस ऑर्डर टेबल में दो एट्रीब्यूट के नेम है, एक का नाम है कस्टमर आईडी और दूसरा है प्रोडक्ट कोड। और दूसरा टेबल जो हमारे पास है वो है प्रोडक्ट टेबल और उस प्रोडक्ट टेबल में दो एट्रीब्यूट के नेम है, प्रोडक्ट कोड और प्राइस। तो ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल को आपस में जोड़ना है तो दोनों में प्रोडक्ट कोड जो है वो सेम है, तो प्रोडक्ट कोड दोनों को फॉरेन की के थ्रू जोड़ देंगे। तो यही है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू जॉइनिंग मल्टीपल टेबल्स ऑन मल्टीपल फील्ड्स। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में मल्टीपल फील्ड्स के साथ जोड़ सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को हमने डिपार्टमेंट आईडी से जोड़ दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो लोकेशन आईडी है तो एक लोकेशन का फिर एक टेबल बना करके डिपार्टमेंट टेबल को लोकेशन टेबल से हम जोड़ देंगे लोकेशन आईडी के बेस पे। तो कुल मिला जुला करके यही रिलेशनल डेटा मॉडल है और ये रिलेशनल डेटा मॉडल रिलेशनल अलजेब्रा पर काम करता है। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है ये और पावरफुल क्वेरी कैपेबिलिटी है ये, मतलब रिलेशनल डेटा मॉडल पे काम करने के लिए इसमें डिजाइन की हुई डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए हमें क्वेरी कमांड की जरूरत थी, जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी कमांड। और जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रिलेशनल डेटा मॉडल को थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ
पर हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल का एक डायग्राम है जिसमें जो है बहुत सारे टेबल्स है, मोर देन वन टेबल्स है। तो उन मोर देन वन टेबल्स को आपस में जोड़ करके दिखाया गया है। तो हमारे पास जो टेबल्स है, एम्प्लॉय टेबल है, कस्टमर टेबल है, अकाउंट टेबल है, मैनेजर टेबल है और ब्रांच टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल को जो है हमें जोड़ना है कस्टमर टेबल के साथ, एम्प्लॉय टेबल को जोड़ना है मैनेजर टेबल के साथ और एम्प्लॉय टेबल को जोड़ना है ब्रांच टेबल के साथ। तो एम्प्लॉय जो आईडी है एम्प्लॉय टेबल में और कस्टमर टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है, ये दोनों सेम है। तो एम्प्लॉय आईडी कॉमन एट्रीब्यूट के नेम है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय टेबल और कस्टमर टेबल को जोड़ दिया गया है। उसी तरीके से एम्प्लॉय टेबल को जब ब्रांच टेबल के साथ जोड़ते हैं, तो एम्प्लॉय टेबल में ब्रांच नेम नीचे, सबसे नीचे ऊपर जो ब्रांच नेम लिखा हुआ है, ब्रांच नेम और ब्रांच टेबल में ब्रांच नेम, ये दोनों कॉमन एट्रीब्यूट है। तो इस कॉमन एट्रीब्यूट यानी कि ब्रांच नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय टेबल और ब्रांच टेबल को जोड़ दिया गया है। फिर एम्प्लॉय टेबल को मैनेजर टेबल से अगर हमें जोड़ना है, तो एम्प्लॉय टेबल में सबसे नीचे मैनेजर आईडी है और मैनेजर टेबल में भी मैनेजर आईडी है। तो मैनेजर आईडी एक कॉमन एट्रीब्यूट है, तो इन दोनों को मैनेजर आईडी के बेसिस पे जोड़ दिया गया है। अब जो है कस्टमर टेबल को अकाउंट टेबल के साथ जोड़ना है, तो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, अकाउंट टेबल में भी कस्टमर आईडी है। तो कस्टमर आईडी इसका कॉमन एट्रीब्यूट है, तो फॉरेन की के थ्रू इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। उसके बाद ब्रांच टेबल है और अकाउंट टेबल को आपस में जोड़ना है, तो ब्रांच टेबल में ब्रांच नेम और अकाउंट टेबल में भी हमारे पास यहाँ पे ब्रांच नेम है, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट है। तो फॉरेन की के थ्रू ब्रांच टेबल और अकाउंट टेबल को आपस में जोड़ दिया गया है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल की जो खासियत है वो यही है कि हम कॉमन एट्रीब्यूट से मोर देन वन टेबल्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ओरेकल डेटाबेस के फील्ड में जितने भी डेटाबेस तैयार किए जाते हैं वो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा ये वीडियो लेक्चर फोर्थ था जो यहाँ पर फिनिश होता है। बाकी का लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि बीच बीच में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।